राजसमंद में भीषण सड़क हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार। राजसमंद जिले में हाईवे 8 पर मानसिंह जी का गुड़ा के पास गुरुवार सुबह बेकाबू केमिकल से भरा टैंकर रोंग साइड में आकर सामने से आ रही कार पर पलट गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई, उनकी माँ और बड़े भाई की पत्नी शामिल हैं। इस तरह हादसे में पूरा परिवार ही खत्म हो गया। हादसे के बाद करीब 1.5 से 2 घंटे बाद सबको कार से बाहर निकाला जा सका। टैंकर का केमिकल गिरने से कार में सवार 4 लोगों के शरीर पर फफोले पड़ गए। भीषण हादसे की सूचना पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल और SP मनीष त्रिपाठी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। साथ ही हादसे की ऑडिट करवाई जाएगी। ज्वलनशील घातक केमिकल भरा होने से बड़े हादसे का खतरा होने से तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड भी बुला ली गई और दोपहर बाद टैंकर को खड़ा किया जा सका। तब तक बड़ी तादाद में केमिकल बाहर निकल गया। चारबुजा थाना प्रभारी गोवर्धन सिंह ने बताया कि केलवाड़ा निवासी पुरुषोत्तम पुत्र जगदीश उपाध्याय, उनके भाई दीनबंधु उर्फ मनीष उपाध्याय, उनकी माँ मनसुख देवी उपाध्याय और पुरुषोत्तम की पत्नी रेणु देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह बताया जा रहा है कि ये मूल रूप से केलवाड़ा के निवासी हैं, लेकिन फिलहाल उदयपुर में प्रवासरत थे। यह हादसा मानसिंह जी का गुड़ा के पास हाईवे 8 पर अजमेर से उदयपुर की तरफ जा रहे टैंकर ने ओवरटेक के प्रयास में ट्रोला से टकराया, फिर अनियंत्रित होकर ट्रोला बीच डिवाइडर पर चढ़ 10 से 15 फीट तक आगे बढ़ा, जबकि पीछे टैंकर राइट साइड की लेन पर मुड़ गया, जहां पर सामने से आ रही कार के ऊपर पलट गया। बताया जा रहा है कि पुरुषोत्तम उपाध्याय का परिवार कार में ब्यावर उनकी बहन के घर जा रहे थे, जहां कोई सामाजिक कार्यक्रम था। पुरुषोत्तम व दीनबंधु उर्फ मनीष उपाध्याय दोनों भाई मूलतः केलवाड़ा कुंभलगढ़ के रहने वाले हैं, मगर अभी नौकरी के चलते उदयपुर में रह रहे थे। उदयपुर से ही सुबह ब्यावर जाने के लिए निकले और राजसमंद जिले के चारबुजा थाना क्षेत्र के मानसिंह जी का गुड़ा के पास यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद चारबुजा थाना प्रभारी गोवर्धन सिंह, दिवेर थाना प्रभारी भवानी शंकर, केलवा थाना प्रभारी ओम सिंह चुंडावत, कुंभलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह राठौड़ के बाद अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक भी पहुँच गए। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, SP मनीष त्रिपाठी, राजसमंद SDM अर्चना बुल्गारिया, कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान 2 से 3 घंटे तक एक लेन पर ही यातायात चालू रहा, जबकि दूसरी तरफ टैंकर पलटने से उसे खड़ा करने में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान फोर लेन अथॉरिटी के मुख्य रूप से टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने भी काफ़ी इसमें मशक्क़त दिखाई और काफ़ी राहत कार्य तत्काल करने के प्रयास किए। हाईवे अथॉरिटी के हरिराम ने बताया कि टैंकर में क्लास 3 का केमिकल भरा होने से हादसे में कार सवार 4 लोगों के शरीर झुलस गए। उन्होंने बताया कि केमिकल इतना ज्वलनशील होता है कि 50 डिग्री के ऊपर तापमान जाने के बाद यह अपने आप ही आग पकड़ लेता है, इसलिए आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा रेस्क्यू करके 4 ही शवों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। SP मनीष त्रिपाठी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर 4 बड़ी क्रेन और एम्बुलेंस को तत्काल मौके पर बुलाया और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 1.5 से 2 घंटे बाद शव को बाहर निकाला जा सका। इस हादसे को लेकर मुख्य रूप से हाईवे अथॉरिटी एवं टोल प्लाजा के रूट मैनेजर हरिराम क्या कुछ कहते हैं, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है सर आपका? सर हरिराम मेला, मैं रूट मैनेजर हूँ सिरनाज उदयपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड पे। आज ये जो हादसा हुआ कितनी बजे हुआ और उसके बाद आपकी जो टीम है वो कब पहुंची? ये सर मॉर्निंग में मेरे पास जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई थी 7:35 के लगभग आई थी अप्रोक्स कि एक टैंकर एक गाड़ी के ऊपर पलट गया है। उसके बाद मेरी टीम जो रूट पेट्रोलिंग की है, एम्बुलेंस और क्रेन जो यहाँ नेगड़ी मांडावाड़ा टोल प्लाजा पे जो रहती है टीम, उसने सबसे पहले आके इसको अप्रोच किया, पुलिस टीम को इन्फॉर्म किया साथ में। उसके बाद टीमें आई हैं इसको किया, उसके बाद मेरी उधर की टीम नेगड़िया की टीम के साथ मैं यहाँ पे पहुँचा सर। तो आखिर में 2 क्रेने, एक हाइड्रा रेंटेड हायर, 2 क्रेने जो प्लाजा की हैं वो लेके उनकी हेल्प, एक बाहर के आउटसाइड के हाइड्रा की हेल्प लेके गाड़ी को, उस टैंकर को थोड़ा टैंक को लिफ्ट करके और गाड़ी को निकाल के और जो बॉडीज़ हैं जो फेटल बॉडीज़ थी उनको निकाल के उनको 108 की सहायता से जो नियर बाई हॉस्पिटल है उसके अंदर शिफ्ट किया। प्रथम दृष्टया जो मौके की हादसा कैसे हुआ, क्या लग रहा है? सर ये 2 ट्रेलर्स थे जो गोमती से उदयपुर की साइड जा रहे थे, जो 1x1 बैक साइड फॉलो कर रहे थे एक दूसरे को। तो इसके अंदर ये है कि ड्राइवर की जो नेग्लिजेंस या लापरवाही है, जो आगे जो ट्रेलर चल रहा था उसकी लापरवाही की वजह से उसने अचानक लेन चेंज की
लेन चेंज की तो वहीं पे पास में जो मीडियन कट था, मीडियन ओपनिंग थी, तो मीडियन ओपनिंग के पास से जो पीछे जो टैंकर ये जो है हाई फ्लेमेबल जो टैंकर था लिक्विड वाला, तो ये उसको पीछे था, तो इसने अपने आप को बचाने के लिए उस कट से रोंग साइड में जो मतलब उदयपुर टू गोमती जो था साइड, उस साइड में ये रोंग साइड है अनबैलेंस हुआ। इसने कोशिश की अपने आप को संभालने की गाड़ी को, लेकिन ये संभली नहीं। एक दो बार ये गाड़ी इधर उधर दोनों साइड मूव करने के बाद में लास्ट में सामने से जो गाड़ी है क्रेटा गाड़ी थी जो आई है इसके नीचे, वो उदयपुर से गोमती की साइड जा रही थी, तो ये गाड़ी अपनी साइड में स्लो लेन में चल रही थी, लेकिन ये टैंकर अनबैलेंस हुआ तो वो भी मतलब अपने आप को इस जो चंद सेकंड में ये जो घटना हुई है उसमें अपने आप को बचाने पे और टैंकर अनबैलेंस होके उसके ऊपर वो टैंक है उसके ऊपर पलट गया। ये हादसे के बाद जैसे उन जो निकाले हैं ना बॉडी वगैरह, ये कितनी देर लगी फिर उसमें? सर इसमें नियर बाई डेढ़ घंटा अप्रोक्स लगा सर। एक्चुअली क्या है, इसके अंदर जो कंटेनर में जो लोड है, मटेरियल जो लोड है, वो क्लास 3 का हाई फ्लेमेबल लिक्विड था सर, तो उसकी सेफ्टी उसकी मतलब प्रिकॉशंस को देखते हुए, इसके अंदर रिस्क को एकदम मिनिमाइज करते हुए इसको जो है ना ये ऑपरेशन था, इसको ऑपरेट किया गया कि आगे कोई नुकसान ना हो या आग की कोई दुर्घटना हो तो उससे रिलेटेड कोई वो चीज़ ना हो। ये तो, जो केमिकल है काफ़ी हैवी इसे आग का, ये सर जो क्लास 3 का केमिकल है ये 60 डिग्री का टेम्परेचर सहन कर सकता है, 60 डिग्री अगर रीच करता है तो ये ऑटोमेटिक फायर है ना कैच कर लेगा, तो ये हाईली फ्लेमेबल है, रिस्क ही है। इसके अंदर अभी मेरे हाथों में कुछ लगाया तो जलन हो रखी है मेरे को, अभी भी आंखों में जलन है मेरे, और जो बॉडीज जो निकाली थी उनके बॉडी के ऊपर इसका केमिकल गिरा तो वहाँ पे फपोले हो रखे थे पूरे। हाँ, कई नाम है आपको? मेरा नाम हरी सिंह जी नाम है। ये जो हादसा हुआ कैसे हुआ आपको यहाँ कैसे आया? ये हमारे को तो कुछ मालूम नहीं है, मगर हमारे को फ़ोन किया घर से, मैं फ़ोन आया तो बोला कि तुम यार उधर पहुँचो गाड़ी के पास, तो हमें इधर आया हूँ। ये कैसे हुआ हादसा, क्या नहीं मतलब कौन सी कंपनी है, क्या ले जा? कंपनी कृष्णा बुलक कैरियर है, इसमें माल भरा है बेंजीन, ये जा रहा है पानीपत से आया भर के और बड़ौदा जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो हादसा प्रथम दृष्टया यूँ लग रहा है जैसे रोंग साइड में आया है? रॉन्ग साइड पे अभी वो क्या बता, वो टेलर का बता रहे हैं कि टेलर वाले ने एकदम आगे घुमा दिया तो बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ने से वो रॉन्ग साइड लेके आगे गए। ये केमिकल तो काफ़ी घातक है? हाँ, बहुत डेंजर माल है, एक नंबर है डेंजर माल। हाँ जी, आग का खतरा है इसमें। अच्छा, अगर ज़्यादा अगर तापमान बढ़ जाए तो आग? हाँ, आग का खतरा सर।